नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज़बरदस्त आलू पराठा। ये पराठा काफ़ी नया है, नए तरीके से हमने इसके लिए लहसुन के 8-10 पीस लिए, छोटा सा अदरक का लिया है, 2 हरी मिर्च का लिया है और हरा धनिया, प्याज। तो इनके सब वेजिटेबल्स को आपने क्या करना है, छोटे छोटे तरीके से काटना है, चॉप करना है। आप चॉप नहीं कर सकते तो कद्दूकस भी कर सकते हो, कद्दूकस करें अगर आप चॉप नहीं कर सकते तो। तो ऐसे आपने वेजिटेबल्स को काटना है और आपने बॉयल आलू लेना है। आलू को बॉयल करें और ठंडा होने दें। इसके लिए हमें सारे वेजिटेबल काट के हमारी फिनिश हो चुकी है, तो हम एक बॉल लेंगे, इसमें सारे बॉयल आलू ऐड करेंगे। इसको जो है हम गिलास के सहारे से बहुत ही अच्छी तरीके से मैश करना है। अच्छे से मैश करें, इसमें कोई भी लम्स ना हो, पीसेस मोटा पीस ना छूटे। तो ये सारी वेजिटेबल जो काटी हुई थी सारे हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करना है आपने चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ऐड किया है। फिर इसमें कश्मीरी मेथी ऐड करेंगे, कस्तूरी मेथी, और इसमें हमने ऐड करना है 2 टेबल स्पून मैदा, ताकि ये टूटे ना पराठे जब बनाए हम। जब बिल्कुल ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, 250 ml आटे का यूज किया हमने। ऐसे ही कोशिश कीजिए कि आटे में जो आलू है उसी से मैश हो जाए। अगर मैश नहीं होता है तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मारने, आपने पानी नहीं डालना, बस ऐसे ही थोड़ा सा छींटे मार के आपने इसी में गुनना है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बस ऐसे छींटे मार के आपने इसको गुन लेना है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, टेस्टी है। एक बार खाओगे बार बार बनाओगे। तो ऐसी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल आलू का फ्लेवर के साथ, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छा बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 250 ml हमने आटा लिया है, तो ऐसे पेड़े निकालें, मोटा छोटा पतला आप जैसे रखना चाहते हो वैसे ही आप उतने हिसाब से पेड़े निकाल सकते हो। तो हमने 10 पेड़े तो बना लिए, 250 ml आटा पे ऐसे गोल गोल करके आपने रखना है। और हमने ऐसे दिल का शेप दिया है इसको, आप कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हो आपके हिसाब से, नॉर्मल भी रख सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, सिंपल सा जैसा आपका इच्छा हो वैसे बनाइए। हमने इस तरह से बनाया है बच्चों के लिए, टिफ़िन में पैक करने के लिए बहुत आसान होता है। ऐसे बनाइए, बीच से काट दीजिए, दिखने को भी अच्छा लगेगा। वो काटने के बाद में एक और पेड़ा निकल जाएगा आपका, तो एक और पराठा बन जाएगी आपकी। तो ऐसे काट के डिज़ाइन से भी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यह देखिए ऐसे बना बना के साइड में रखते हैं, और उसके बाद हम लिए फ्राई पैन, उसको गर्म हो गया है तो हम डाल देंगे इसमें। ऐसे एक बार पलट के फिर दूसरी बार पलट के ऑयल लगाएंगे। अभी थोड़ा गर्म हुआ नहीं है तवा, तो आप
थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसमें पलट के। ये देखिए सिक चुका है, थोड़ा सा तेल लगाना है आपने, तेल घी बटर आपके पास जो अवेलेबल हो आप लगा सकते हो। ये देखिए कितने अच्छी कलर आ रही है पराठे में, ऐसे ही हमने जो बना के रखा था वो तो सारी सेकेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़बरदस्त, ये देखिए आपने ऐसे ही धीरे धीरे से करछी घुमा के और ऐसे सेकना, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़बरदस्त। हमने सारे आपको बेल के रखा था पहले ही, तो हम वन बाय वन करके सेक रहे हैं बढ़िया तरीके से। बहुत ही अच्छी कलर दिख रही है इसकी, देखिए ज़बरदस्त। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। Thank you.